वीकेंड मस्ती देख रहे हैं ना स्टूडियो में कितनी चल रही है, देखिए कौन कौन आया आज। ओ नहीं, हल्क और थॉर, हल्क एंड थॉर, टू हल्क, सलमान थॉर, दो हल्क के उसके बीच में थॉर बैठा हुआ है। हल्क सबसे पावरफुल, शक्तिशाली, जो ऐसे पागल वाला, सर एकदम गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है उसे, दिख रहा है ना गुस्सा, हां दिख रहा है एकदम। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि इस हफ्ते रिलीज हो रही है थॉर रैग्नारोक। ये पीछे वाला मुझे नहीं आता, रिलीज हो चुकी है, हो गई। मैं जा रही हूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मेरी 8:30 की मूवी है। ओह वाओ, मैंने टिकट बुक करा ली। वाह वाह, मतलब क्या समर भी वो देख ही लेनी है क्या समर? नहीं, एवेंजर्स की एक पूरी सीरीज है, बहुत सारे सुपर हीरोज है, ओके, इन सब ने मिलके अलग 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 मूवीज की है, उसमें से एक एवेंजर्स के एक सुपर हीरो है, क्या हो गया थॉर, और वो लोग इस कैरेक्टर में गुस्सा आ रहा है, कैरेक्टर में घुसने वाला था, उससे पहले उसने कहा निकाल लो मास में घुसने तक। ये थॉर की थर्ड इंस्टॉलमेंट है, ये तीसरी फिल्म है जो आ रही है, 2011 में आई थी, 13 में आई थी और अब आ रही है, और अब की बार जो है हल्क और थॉर के बीच की जो केमिस्ट्री है ना, आपने उतार दिया सर माइंड, आपको पहनना चाहिए, बिल्कुल बहुत कमाल की है। और खास बात यहाँ पर अब की बार ये है कि जब थॉर वापस लौटता है ना, तो अपने एस्गार्ड, एग्जैक्टली, और जो हेला है वो वापस से उसके पीछे पड़ गई कि उसको बर्बाद कर देगी एस्गार्ड को, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये जितने भी फैंस है ना, वो अलोक जी आपके बेटे से पूछे, वो आई एम श्योर शो देखेगा और वो एंजॉय करेगा। आजकल कुछ फ्लैश देखने की उम्र पे और मैं भी एक चीज सोच रहा हूँ, अगर मैं थोर के इस मैं हल्क हल्के मैं और सोनम हल्के, तो अगर मैं हल्के कैरेक्टर में इस तरह से हल्का, इसका हिंदी रीमेक नहीं होने वाला है क्या? हिंदी रीमेक डब हो जाती है, डब नहीं हम करेंगे अलग से, डब की क्या जरूरत है। फिलहाल के लिए हिंदी, तेलुगु, तमिल और इंग्लिश में तो है ये फिल्म। देखिए अनिल जी, इसमें ज्यादा दुविधा मेहनत का काम नहीं है, राइट, अपने काम पे लगे रही है, जो कुछ तनख्वाह बनती है उसको जमा के इन्वेस्ट कीजिए, और एक दिन अपने ऊपर जैसे लोग अपने बेटे को हीरो बनाने के लिए फिल्म बनाते हैं, आप अपने लिए आ जाइए, हमारे लिए तो चाचा चौधरी ठीक है। चलिए, तो थोर देखनी है, थोर देखनी है। इसके अलावा आप इत्तेफाक भी देख सकते हैं, बी आर चोपड़ा के जो पोते हैं अभय चोपड़ा, उन्होंने जो 1969 में इत्तेफाक आई थी राजेश खन्ना की, बिंदु और नंदा की, उसी का रीमेक किया है, और अब की बात सिद्धार्थ मल्होत्रा है इसमें, सोनाक्षी सिन्हा है और अक्षय खन्ना है, तो सस्पेंस थ्रिलर है, इसको भी आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि रिव्यूज फिर भी ज्यादा थॉर के ही बढ़िया आ रहे हैं और लोगों का रुझान भी थॉर की तरफ ही है, तो पहले आप थॉर देखिए, उसके बाद जितने भी ऑप्शन हम देंगे आपको वो एग्जॉस्ट कर लीजिए, उसके बाद और उन लोगों के लिए जो आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो में इतना प्रिविलेज नहीं है और नहीं देख पा रहे हैं, आप आज सीएनबीसी आवाज पर 7:30 आ जाइएगा, आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के सुपर हीरो, और हम आपको बताएंगे ऐसे ही सुपर हीरो वाले अंदाज में ही वो कौन से स्टॉक्स हैं जो खूब भूमिका में हैं और एक्शन में रहेंगे पूरे सुपर हीरो फॉर्मेट में, बिल्कुल राइट, 7:30 आज शाम को, तो एंटरटेनमेंट भी और काम भी, बिल्कुल, तो मूवीज तो हो गई अनिल जी, अब आप बताएं, क्रिकेट, क्रिकेट मैच, क्रिकेट तो देखना ही देखना है, और खास तौर से जब इतनी लय में हो हिंदुस्तान की टीम, क्या बात है। शिखर धवन, रोहित शर्मा, मतलब 2020 मैचेस तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के बाहर होने ही नहीं चाहिए, 2020 मैचेस देखने का मजा ही तब है जब वो हाई स्कोरिंग हो, लो स्कोरिंग में क्या देखना, जब तक चौके छक्के न लगे, तो चौके छक्के लगने का आईसीसी के मैनेजमेंट की तरह सोचने लगे हैं, बिल्कुल माल यहाँ बनता है, व्यूअर यहाँ होते हैं, मैच बाहर करके फायदा क्या है? अगर हिंदुस्तान क्रिकेट खेलना बंद कर दे, सारे क्रिकेट बोर्ड कंगाल हो जाए, तो मतलब ये तो हम 125 करोड़ भारतीय जो मिलकर क्रिकेट को एक धर्म बनाकर देख रहे हैं, तो मैं तो मैच देखूंगा, वो तो मैं छोड़ने वाला नहीं, लेकिन तो ये तो मस्ट है, मस्ट है। अभी बहुत सारे इवेंट्स हैं मेरे पास, बहुत सारे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग अभी नया मार्केट में कुछ आया है, वो है बबल डैश, ये नया क्या है बबल डैश, आज तो ये सब आपके मेरे लिए नई नई चीजें ही हो रही है। चिंता मत करिए, अभी मैं भी देने वाला हूँ। मैं भी बताता हूँ। बताइए। तो जो बाथटब में जो बबल्स होते हैं, जो पूरा फोम क्रिएट होता है, बुलबुले, उसका उन लोग ने मैराथन निकाला है, तो उसमें होगा क्या, मतलब
बबल्स बनाने हैं। सो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप नाचते नाचते पहुंचिए, स्लिप होते हुए पहुंचिए, चलते हुए पूछिए पहुंचिए, कैसे भी पहुंचिए आपको अपना पहुंचना है, लेकिन पहुंचना है। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये हो रहा है मुंबई में, जू में जी, बबल में वो जो बड़ा वाला बबल होता है, नहीं नहीं वो वाला, हाँ। नहीं वो वाला नहीं, जो पानी साबुन वाला जो बबल, हाँ। होगा नीचे वो बिखरा के रखेंगे, पूरा बिखरा के होगा पूरा रास्ता 5 किलोमीटर और आपको उसमें चलना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुंबई में हो रहा है ये, मेरे 2 लिगामेंट टेंड हो चुके ऑलरेडी, फर्स्ट चिकना कर दिया गया, इसके बाद आपको उस पे दौड़ लगा के दिखाना है। वाह वाह क्या बात करो उसमें। इसके अलावा मुंबई में 360 द किड्स वेलनेस फेस्टिवल हो रहा है, बच्चों को वहाँ छोड़ दीजिए 2 दिन आराम कर, छोड़ दीजिए सब बहुत थके हुए हैं, मुझे एक्चुअली लोगों का ऐसे मैसेज आ रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को थोड़ा जगह देना चाहती है, एंटरटेनमेंट खुद जगह लेना चाहती है बच्चों से। अच्छा एक मिनट, नहीं सबको अलाउड है जाना, बच्चों को नहीं बड़ों को भी छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे जाना है, मेरी 5:30 बजे की है फ्लाइट, मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, तो मेरी एक और इवेंट है, तो कल वो भी टीज कर दीजिए, कल सुबह हैदराबाद द पार्क में सुबह 10 बजे हमारा शो है इन्वेस्टमेंट मित्रा, तो बाजार के जाने माने दिग्गज और चाचा चौधरी से मिलते जुलते मूंछों से हटकर खाली मैं नहीं प्रकाश गावा साहब वो होंगे, अरुण ठुकराल साहब होंगे, तो आप हैदराबाद के सारे दर्शक जो भी हैं आसपास के हैं तो आ जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाया हो तो तब भी आ जाइए, मुलाकात करेंगे आपसे इन्वेस्टमेंट और आप सब के लिए आएंगे, हमारे लिए बिस्किट्स लेके आएंगे, कराची के बिस्किट्स, कराची के, जो भी दर्शक आए शो में सोनम के लिए, जो भी दर्शक शो देख ले आए सोनम के लिए कराची के बिस्किट के पैकेट, और आपको आसान रास्ता बता दे रहा हूँ अनिल जी, कराची बिस्किट के लिए अब कहीं जाना नहीं है, लौटते समय एयरपोर्ट पर उसका एक बड़ा भारी स्टॉल है, सोनम ने बोल दिया सारे दर्शक जो आएंगे शो देखने वो लेकर ही आएंगे। चलिए तो मेरी तरफ से बाय बाय, आप गुड बाय, हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, Have a good weekend. Thank you. आपने लेकिन ये नहीं बताया कि बनारस में आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया ये बताया, क्या नहीं किया मतलब सब कुछ, काम फन और मस्ती चार पान, मतलब मैं बनारस से 2 किलो वजन बढ़ा के आया हूँ, सुबह गंगा में डुबकी मारी, गंगा में बिल्कुल डुबकी मारी, 3 बार आरती अटेंड की है, बहुत सारे हमने 1 मिनट ट्रिप्स और शूट्स किए हैं, पहला कदम किया तो बनारस, वो मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, वो जो एक बार जाता है ना वो बनारस, लेकिन बहुत लोग ऐसे जो एक बार जाते वापस आते नहीं, वही है मन से वापस नहीं आए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कुछ और इवेंट्स बाकी हैं और 2 खास किताबें पुस्तकें बोलने वाली थी मैं, पुस्तकें वो आलोक उसके बाद कुछ और वाह, चलिए ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वीकेंड मस्ती और काफी कुछ है इस वीकेंड करने को, मूवीज की हमने बात कर ली, इवेंट्स की हम बात कर रहे थे, लेकिन एक बहुत ही एंटरटेनिंग इवेंट, बिल्कुल अजय अतुल लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं पुणे में और डेफिनेटली जाना आप चाहिए। अजय अतुल कौन है बता दीजिए, झिंगाट चिकनी चमेली हाँ अक्सरा आली, ये सब गाने इन्होंने लिखे हैं, धमाकेदार कॉन्सर्ट होने वाला है, डेफिनेटली जाना चाहिए इसके लिए। कब कहाँ है पुणे, ये पुणे में है 4 नवंबर को, मतलब कल हो रहा है ये, और ये हो रहा है ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा में, इंटरेस्टिंग बालेवाड़ी स्टेडियम, बालेवाड़ी स्टेडियम में, बालेवाड़ी स्टेडियम, हाँ तो ये अच्छी जगह है वैसे जाने के लिए, अच्छा बड़ा कॉन्सर्ट हॉल है। हम पढ़ेंगे क्या लिखे ना लोग जी, पढ़ेंगे मैं हर्षदा 2 चीजें मैं लेके जो किताब आया था वो हैं दिनकर की 2 किताबें, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के बहुत पुराने इनके हमारे स्कूल के जमाने में कुछ ऐसे और ये होते थे शॉर्ट स्टोरीज, पिछले दिनों क्योंकि मैं आजकल आवाज अड्डा में अंत में एक कविता या शेर पढ़ता हूँ तो मैं ढूंढता हूँ बहुत सारी चीजें, और मैंने पाया कि दिनकर की कविताएं बहुत सारे लोगों को याद हैं, हिंदी में कहते हैं कंठस्थ हैं, कि पूरी पूरी ये किताब है रश्मिरथी, लोगों का कहना है कि ये पूरी पूरी रश्मिरथी उनको याद है। तो फिर दिनकर को जब मैं अभी मैंने कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी 2 मंगाई है, किताब और मंगाई है उस पर बाद में बात करेंगे, कुरुक्षेत्र तो समझ रही हैं आप महाभारत के युद्ध पर है और इसमें इन्होंने एक अलग नजरिए से उसको देखा है, एक तरह से डिस्क्रिप्शन है लेकिन डिस्क्रिप्शन के साथ इंटरप्रिटेशन भी है। एक 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 चौपाई इसमें से मैं सुनाता हूं, पापी कौन मनुज से उसका न्याय चुराने वाला या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला, कौन पापी है। और दिनकर का जो सबसे मशहूर लाइनें हैं जो तब से अब तक हम लगातार सुनते आ रहे हैं, जब कभी देश में उद्वेलन होता है, दुविधा होती है, द्वंद्व होता है,
कभी सरकार बदलने की बात होती है, कभी समाज बदलने की बात होती है, तो उनकी एक लाइन आती है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। उनका कहना है कि आप तटस्थ नहीं रह सकते हैं, आपको किसी एक पक्ष में और आमतौर पर आपको न्याय के पक्ष में खड़ा होना होगा। जो जिसे न्याय का पक्ष समझता है वो उधर खड़ा होता है। उसके बाद उन्होंने रश्मिरथी लिखी है और ये इस किताब की सबसे बड़ी खास, और ये सारी कविताएं हैं, ये रश्मिरथी पूरी कविता की कविताएं, पूरी एक लंबी कविता है, महाकाव्य कहते हैं इसको हिंदी के ग्रामेटिकल उसमें। ये कर्ण पर है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको काफी तरह से बहुत से लोगों ने तरह तरह से एनालाइज किया, और बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। और आप आज की तारीख में देखें तो वो जाति और समाज के वर्ग के बंधनों के परे एक करेक्टर है, जिसकी माँ उसको ये नहीं बता सकती थी कि वो उसका अपना बेटा है। जो एक राजपुत्र था, क्योंकि वो उसकी माँ रानी थी, इसके बावजूद वो एक रथ वाले ने उसको पाला और वो सूत पुत्र कहलाया। ऐसे में, और वो बहुत वीर था, कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, युधिष्ठिर से बड़ा था। उस कैरेक्टर को, उसके जीवन को, और दुर्योधन जो महाभारत का विलेन है, वो कर्ण को उसकी वो प्रतिष्ठा, वो जगह देता है जो उसको समाज में चाहिए होती है। जिस जब जरूरत पड़ती है तो उसको एक राज देता है और कहता है मैं इसे अंगराज बनाता हूं, अब ये किसी भी राजपूत से युद्ध कर सकता है। तो ये कहानी, लेकिन ये कहानी कविता में, कर्ण से जब पहली बार युद्ध में पूछा जाता है कि तुम्हारी जाति क्या है, क्योंकि राजपुत्र से लड़ने खड़े हो, तो कर्ण कह रहे हैं जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। सूर्य की ओर देखता है क्योंकि कर्ण सूर्यपुत्र है। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, मेरी जाति मेरे ये भुजदंड। ये आप कर्ण की कहानी महाभारत से देखिए, और उसके बाद आइए जब दिनकर ने लिखा होगा अब से 50 साल पहले, और उसके बाद उसको जक्टापोज कीजिए आज की कास्ट सिचुएशन पर, जहां लोग, जहां अब जातियों में विद्रोह हो रहा है, जो जिनको नीची जाति कहा जाता था वो खड़े हो रहे हैं, तो इसको लेके आए और कैसे अच्छी तरह से, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने लिखा है। एक कुछ लाइनें और सुनाऊंगा। नर्ता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वो केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? यानी इससे आगे है, आप सिर्फ तलवार उठा के लोगों को काटते चले, यही तो वो, ये नहीं, मर्दानगी नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। तो और जो आप तीसरी वाली बताने वाले थे, एक और है जो इस समय बताऊंगा, तटस्थता के साथ आता है इसमें से। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। किसी भी कीमत पर जीतने के लिए दोनों ने पाप का साथ दिया। दूसरी, अभी अभी कुछ देर पहले खबर मिली कि कृष्णा सोबती को इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। कृष्णा सोबती को हम लोग जानते हैं मित्रों मर जाने के लिए, जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए, और वो पाकिस्तान में पैदा हुई, भारत आई। ये दर्द कुछ दिन पहले आपको याद होगा, मैंने उनकी किताब बताई थी जो उन्होंने इस उम्र में लिखी है, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक। उसकी दो लाइनें यहां सुना देता हूं कि उस वक्त वो गुजरात और लाहौर को छोड़ते हुए कहती हैं, याद रखना हम यहां रह गए हैं। ये याद रखना ही रुलाने के लिए काफी है। इसी अंतिम विदाई के साथ कृष्णा सोबती किस प्रकार दिल्ली पहुंचती हैं और कैसे हिंदुस्तान का गुजरात उन्हें आवाज देता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के गुजरात से आई थी, और वो पाकिस्तान के गुजरात की अपनी स्मृतियों की पोटली बांधकर पहली नौकरी के लिए सिरोही पहुंचती हैं। सिरोही में उन्होंने पहली नौकरी की थी, उस किताब का जब रिव्यू मैंने किया था तो बताया था। तो ये पूरी दास्तां है। मुझे सिर्फ इसलिए कि कृष्णा सोबती, वैसे अगर मुझे कुछ पहले पता होता तो आज मैं कृष्णा सोबती का जिक्र करता, लेकिन आज आपने मेंशन किया तो एक इंटरेस्टिंग बात है। अब सब जाके सुने, पढ़ने की कोशिश करेंगे ऑफ कोर्स कृष्णा सोबती की पुरानी किताबें, लेकिन आपने जो याद रखना वाली स्टेटमेंट दी है, मैं भी वही बोलूंगी, याद रखना बाजार हाइस पर है, मौज कीजिए, वीकेंड अच्छे से मनाइए, और फिर इस तेजी के सिलसिले को हम बढ़ाएंगे जरूर सीएनबीसी आवाज पर।
हम सबको दीजिए इजाजत और हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय।